जल्द कैबिनेट में जाएगा मामला, 4 लाख से ज्यादा शिक्षकों को मिलेगा फायदा, मध्य प्रदेश कर्मचारी, बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश के शिक्षकों की अब गर्मियों की छुट्टी होगी समाप्त। मध्य प्रदेश के शिक्षकों की गर्मियों में मिलने वाला अवकाश समाप्त किया जाएगा, इसके बदले साल भर में 30 दिन का अतिरिक्त अर्जित अवकाश मिलेगा। इस संबंध में लोक शिक्षण के अधिकारियों व शिक्षक संगठनों के बीच सहमति बन गई है। जल्द ही मामला कैबिनेट में जाएगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के पहले एमपी के शिक्षकों के लिए यह आदेश लागू कर दिया जाएगा। इस आदेश के लागू होने से करीब 4 लाख शिक्षकों को फायदा होगा। प्रदेश के शिक्षकों को पूर्व में 2 माह यानी 60 दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश मिलता था, बाद में इसे धीरे धीरे कम करके 40 दिन का कर दिया गया। वर्तमान में शिक्षकों को 40 दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश दिया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन अवकाश में भी शिक्षकों से काम करवाया जाता है। इस दौरान विद्यार्थियों के प्रवेश की रूपरेखा, मध्याह्न भोजन, प्रशिक्षण जैसे कई कार्यक्रम चलते हैं। इस कारण शिक्षकों को बमुश्किल 5-7 दिन का ही ग्रीष्मकालीन अवकाश का लाभ मिल पाता है। शिक्षकों की ग्रीष्मकालीन अवकाश में मिलने वाली पूरी जाती है छुट्टियां कार्य करते हुए निकल। ग्रीष्मकालीन अवकाश के अलावा शिक्षकों को साल भर में 10 अर्जित अवकाश, 3 ऑप्शनल अवकाश व 10 अन्य अवकाश मिलते हैं। यानी शिक्षकों को ग्रीष्मकालीन अवकाश के अलावा साल भर में कुल 26 छुट्टियां मिलती हैं। ग्रीष्मकालीन अवकाश में काम करवाने के कारण शिक्षक कई सालों से विरोध कर रहे थे। इसे देखते हुए विभाग ग्रीष्मकालीन अवकाश के ऑप्शन को ही खत्म कर रहा है। अब शिक्षकों को ग्रीष्मकालीन अवकाश नहीं दिया जाएगा।